the special conducting system in human heart. In humans and other mammals, the conducting system of heart is much more evolved. It includes two compact nodes of nodal fibers and internodal pathway, a branched bundle of conducting fibers called bundle of Pease, and a complex network of Purkinje fiber. All these components of the conducting system are as follows. ठीक, देखिए यहाँ पे है क्या? हम लोग human hearts के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, clear? मनुष्य के हृदय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हृदय की फिजियोलॉजी कैसे इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है, प्रारंभ कैसे होती है और कैसे थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इन ह्यूमन एंड अदर मैमल्स. मैमल्स की बात करें और ह्यूमंस की बात करें तो हम लोग का हार्ट जो है वो कार्डियक मसल का बना हुआ है और फोर चेम्बर्ड है. क्लियर, चेम्बर के अंदर ब्लड भरता है और वो ब्लड फिर बारी बारी से अंदर आता है और बाहर जाता रहता है. क्लियर, अपने चेम्बर को भरता रहता है और चेम्बर से फिर बाहर निकलता रहता है. तो चेम्बर खाली हो ब्लड से, इसके लिए हार्ट में एक विशेष क्रिया होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सिस्टोल. हार्ट की वॉल सिकुड़ती है या चेम्बर्स की वॉल सिकुड़ती है, इस प्रोसेस को हम लोग सिस्टोल कहते हैं. और सिस्टोल के द्वारा ही, सिस्टोल होते ही, उस चेम्बर से रिलेटेड ब्लड जो है वो जहाँ भेजना होगा वहाँ निकल जाता है. क्लियर, वो एट्रियम हो या वेंट्रिकल हो. लेकिन इसके सिकुड़ने के लिए यानी सिस्टोलिक प्रोसेस के लिए जो मैसेज है या जो सिग्नल है वो कहाँ से आता है, तो वो स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनके थ्रू ये सिग्नल्स जनरेट होता है और आगे की ओर ट्रांसमिट किया जाता है. बात किया जा रहा है कि इन ह्यूमन एंड अदर मैमल्स द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट इज मच इवॉल्व. मनुष्य हो चाहे दूसरा स्तनधारी हो, उसमें जो कंडक्टिंग सिस्टम है, जो सूचना को आगे बढ़ाने वाला जो तंत्र है हार्ट का, वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है. इट इंक्लूड्स, इसमें दो नोड्स होते हैं. इट इंक्लूड्स टू नोड्स, टू कम्पैक्ट नोड्स, सघन नोड्स होते हैं और आप नोडल फाइबर, इन नोडल फाइबर के बने होते हैं. और इसके बाद इंटरनोडल पाथवे है, दो नोड्स के बीच में कुछ ट्रैक है, रास्ता है, जिसके थ्रू जो मैसेज है, जो सिग्नल है, वो आगे की ओर बढ़ता जाता है. ठीक है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह होता है और आगे की ओर बढ़ता है. एंड ब्रांच बंडल्स ऑफ कंडक्टिंग फाइबर्स कॉल्ड बंडल ऑफ एज. जो फाइबर्स हैं जो मैसेज को कंडक्ट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएंगे, उसी में से एक ब्रांच होता है, मोटा सा बंडल होता है फाइबर्स का, उसे बंडल ऑफ एज कहते हैं. हिंदी आर साइंटिस्ट है. इसके अलावा पूरा फाइबर्स का जाल बिछा होता है, पूरे फाइबर्स का जाल बिछा होता है, जिसे हम लोग परकिंजे फाइबर कहते हैं. परकिंजे भी एक साइंटिस्ट हैं जिसने इसे डिस्कवर किया था. परकिंजे फाइबर कहते हैं. परकिंजे फाइबर जो होता है वेंट्रिकल की वॉल में फैला होता है. जब सिग्नल जो है परकिंजे फाइबर तक पहुँचता है तो ये अल्टीमेटली मैसेज को या सिग्नल को वेंट्रिकल के वॉल तक पहुँचा देता है, यानी कार्डियक मसल तक पहुँचा देता है और उस जगह स्टिमुलेशन या सिस्टोलिक प्रोसेस स्टार्ट जाता है. ऑल दीज कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम्स आर एज फॉलोज. देखिए ये कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहा है कि कौन कौन से ये कंपोनेंट्स हैं जो कंडक्टिंग सिस्टम में भाग लेते हैं या काम करते हैं. तो नाम लिखा हुआ है हेडिंग, कौन कौन सा नाम लिखा हुआ है? साइनो एट्रियल नोड. ठीक है, साइनो एट्रियल नोड है जिसे हम लोग ऐसे नोड बोल देते हैं शॉर्ट में. इसके बाद दूसरा है ऑरी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है जिसे हम लोग एवी नोड कहते हैं. इसके अलावा और भी नाम है. एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल बोलिए क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के पास ही होता है, इसे बंडल ऑफ हिज कहते हैं. इसके बाद राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज है. बंडल ऑफ हिज से दो ब्रांचेज निकलती हैं, एक राइट वेंट्रिकल की तरफ जाती है, दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर होती है. सो इसे राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बंडल ब्रांचेज बोलते हैं. और लास्ट होता है परकिंजे फाइबर, जो अभी थोड़े देर पहले हम बताए हैं कि वेंट्रिकल की वॉल में जाके फैल जाता है. ठीक है, वेंट्रिकल की वॉल फैला रहता है, तो ये वेंट्रिकल की वॉल को सिकुड़ने के लिए मैसेज प्रोवाइड करता है, सिस्टोलिक प्रोसेस के लिए मैसेज प्रोवाइड करता है. तो हम लोग चाहेंगे तो इसके डायग्राम में हम लोग देख लेंगे. ठीक है, यहाँ जो डायग्राम है उसमें हम लोग इसको देख सकते हैं. क्लियर, यहाँ डायग्राम देखिए आप लोग. डायग्राम में क्या लिखा हुआ है? साइनो ऑरिकुलर नोड. क्लियर, एक नोड हार्ट का चेम्बर दिखाई दे रहा है डायग्राम में. क्लियर, और उसमें साइनो ऑरिकुलर नोड है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं. इसके अलावा ये राइट एट्रियम को दिखा रहा है, लेफ्ट एट्रियम को दिखा रहा है. ठीक है, एक मिनट, दोनों तरफ एक ही एट्रियम लिख दिया है क्या डायग्राम में? वो रेड लेफ्ट एट्रियम होगा. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम होगा, गलती से उसने प्रिंट कर दिया राइट एट्रियम. क्लियर, इसके बाद इंटरनोडल पाथवे है, एक रास्ता दिखा दे कि दो नोड हैं. आपके हाथ के लेफ्ट हैंड साइड जिधर से आप डायग्राम देख रहे हैं उधर ऐसे नोड है और राइट हैंड साइड नाम लिखा हुआ है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड. दिख रहा है आप लोगों को?
ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड और क्या बोले यसे नोड के बीच में पतले पतले फाइबर्स दिख रहे हैं जो दोनों लिंक कर रहे हैं, उसका नाम इसने लिख रखा है क्या, इंटर नोडल पाथवे, क्लियर। और ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड से एक बंडल निकल के जा रहा है किधर, वेंट्रिकल की वॉल की तरफ, उसका नाम लिखा हुआ बंडल ऑफ हिज साइंटिस्ट ने बोला है। बंडल ऑफ हिज को नीचे देखिए दो भाग बढ़ जा रहा है, दो ब्रांचे बना ले रहा है, ठीक है। इसका नाम लिखा हुआ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में अंदर हुए वो, उसका नाम क्या लिखा हुआ, राइट बंडल ऑफ परकिंजे फाइबर, और एक तरफ लिखा है लेफ्ट बंडल ऑफ परकिंजे फाइबर, क्लियर। इसके बाद राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसी डायग्राम को बेसिस हम लोग को पढ़ना है, क्लियर। और स्टार्ट होगा ऐसे नोट से, ठीक है, ऐसे नोट स्टार्ट कीजिए, पढ़िए। SA node, it is a small and somewhat ellipsoidal compact mass of self-excretory nodal fibers. Excretory, ठीक है, nodal fiber, यहाँ पे है क्या? SA node जो होता है एक छोटा सा गांठ की तरह दिखता है और परवलयाकार है, compact है, बिल्कुल सघन होती है कोशिकाएं इसकी, dense होती हैं, घनी, ठीक है, और self-excretory है, मतलब खुद से ये उत्तेजित होती है, खुद से उत्तेजित होने वाली nodal fibers हैं, और situated, कहाँ पे स्थित होता है? तो सिचुएटेड ऑन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम के वॉल पे सिचुएटेड है, स्थित है, और किस जगह पे? तो जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा आके खुलता है, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। हम लोग जान रहे हैं कि राइट एट्रियम में दो वेना केवा आके खुलते हैं, एक का नाम है सुपीरियर वेना केवा और एक का नाम है इंटीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा यानी ऊपर की ओर से आकर के जो वेना केवा ओपन हो रहा है, वेना केवा, उसी जगह पे साइड में ये नोड उपस्थित, ठीक है, प्रेजेंट होता है। आगे पढ़िए। दिस नोडल फाइबर्स स्पॉन्टेनियसली जनरेट द एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन एट शॉर्ट रेगुलर इंटरवल्स सेटिंग द रेगुलेटिसी ऑफ हार्ट बीट एट अ रेट ऑफ अबाउट 72 to 75। ठीक है, लाइन बहुत लंबा लिखा हुआ है। इसमें देखिए लिखा हुआ क्या है, ये जो नोडल फाइबर है, नोडल फाइबर का मतलब क्या है, ऐसे नोडल फाइबर जो है, ऐसे नोड के जो फाइबर्स हैं, ये एक्शन पोटेंशियल मतलब इम्पल्स जनरेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं किसके लिए, तो कार्डियक मसल के लिए, कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, और रेगुलर इंटरवल पे, ऐसा नहीं कि एक बार इम्पल्स जनरेट कर देंगे और देन थोड़ी देर बाद, नहीं, एक रेगुलर इंटरवल है 0.8 सेकंड हम बता रखे हैं, एक कार्डियक साइकिल हमारा 0.8 सेकंड का है, तो 0.7 सेकंड बाद, 0.7 सेकंड बाद ये इम्पल्स आ जाता है, और इस इम्पल्स का जो असर होता है तो एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, 0.1 सेकंड का जो बोले ना सिस्टोल होता है, ठीक उसी समय 0.1 सेकंड का, 0.7 सेकंड के बाद ये, 0.7 सेकंड के इंटरवल के बाद ये स्टिमुलेशन जो है वो जनरेट कर देता है, इम्पल्स जो है जनरेट कर देता है, क्लियर। और रिदमिक होता है, मतलब लयबद्ध होता है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे जाएगा, और कितनी बार होता है, तो ये 72 to 75 टाइम्स एक मिनट में होता है, और उतनी ही बार हमारा हृदय जो होता है धड़कता है, हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट बीट रेट जो होती है वो 72 to 75 टाइम पर मिनट होती है, और इतना ही ये इम्पल्स जनरेट भी करता है, उत्पन्न भी करता है, कौन, तो यसे नोड, दैट इज वाई, यही वो कारण है कि यसे नोड एक लय में चल रहा है ना, एक स्पीड में चल रहा है, एक इम्पल्स जनरेट कर रहा है, सो इट इज नोन एज पेस मेकर मतलब गति बनाए रखने वाला है, कौन सी गति बनाए रख रहा है, तो हृदय के चलने की गति को बनाए रखता है, सो इट इज नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट, क्लियर। ईच एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन एसे नोड इज इमीडिएट कैरिड मोटर इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन टू द कार्डिक मसल। देखो हर जितना भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल बोलो या इंसर्ट इम्पल्स बोलो, जितना भी ये जनरेट कर रहा है ऐसे नोड, वो क्या कर रहा है, तो कार्डियक मसल के सिकुड़ने के लिए इम्पल्स का काम कर रहा है, ठीक है। कार्डियक मसल सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तभी तो एट्रियम या वेंट्रिकल का वॉल चेंबर जो होता है छोटा होता है, और ब्लड उसमें से निकल के बाहर जाता है, तो उसके लिए इम्पल्स जनरेट कर रहा है, ठीक है, सूचना जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, किसके लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फाइबर ऑफ राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, इसके मैसेज से जो एट्रियम का दाहिना चैम्बर है वो भी, और जो एट्रियम का बाएं वाला चैम्बर है वो भी सिकुड़ता है बाय सेवरल फाइबर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम एसे नोड। ढेर सारे फाइबर्स हैं एसे नोड से निकल करके कहाँ चले जा रहे हैं तो एट्रियम के वॉल में चले जा रहे हैं, एट्रियम के वॉल में चले जा रहे हैं। एसे नोड जैसे ही सिग्नल रिलीज करता है, ये सारे फाइबर्स जो हैं मैसेज को पहुंचा देते हैं एट्रियम के वॉल तक, और वॉल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक उसी समय इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में चला जाता है, बात समझ में आ रहा है। यानी यसे नोड ने मैसेज सेंड किया,
फाइबर उसे वॉल तक पहुंचा दिए, और फाइबर वॉल तक पहुंचा, मैसेज वॉल तक पहुंचा, और वॉल क्या किया, सिकुड़ गया। वॉल जैसे ही सिकुड़ेगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक, और जो ब्लड भरा होगा एट्रियम में, वो सारा का सारा ब्लड चला जाएगा किसमें, तो नीचे वेंट्रिकल में। क्लियर? अब ध्यान रखिए कि ब्लड भी वेंट्रिकल में गया, और एस ए नोड का जो इम्पल्स था वो ए बी नोड तक पहुंच गया। एस ए नोड जो इम्पल्स रिलीज किया ना, वो ए बी नोड तक आ गया। अब ए बी नोड से ये मैसेज कहाँ जाएगा, ए बी नोड से बंडल ऑफ हिज में जाएगा, बंडल ऑफ हिज से राइट और लेफ्ट ब्रांच में जाएगा, लेफ्ट और राइट और लेफ्ट ब्रांच से परकिंजे फाइबर में जाएगा। तो जैसे जैसे ब्लड आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सिग्नल भी आगे बढ़ रहा है, सिग्नल ब्लड आगे आगे, सिग्नल उसके पीछे पीछे। क्लियर? बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो जैसे ब्लड जो था वो एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल भर गया, तब तक सिग्नल भी पहुंच गया वेंट्रिकल तक। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड निकल के चला जाएगा कहाँ, तो एक चला जाएगा सिस्टेमिक आर्टरी में, सिस्टेमिक एओर्टा में, और एक चला जाएगा पल्मोनरी एओर्टा में। क्लियर? वही काम